विराट कोहली जिनके बल्ले से पिछले 3 साल से शतक नहीं निकला, काफी सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को अब ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि वो रन नहीं बना रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जिनकी तुलना हमेशा विराट कोहली से होती है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि बुरा दौर भी जो है वो जल्द खत्म हो जाएगा, आप बस मजबूत रहिए। इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कब विराट कोहली इस पर रीट्वीट करेंगे, कब अपना रिएक्शन देंगे, तो वक्त आ चुका है क्योंकि विराट कोहली ने भी उस ट्वीट का जवाब दे दिया। तो विराट कोहली ने ट्वीट पर क्या कहा है आपको बताते हैं। बाबर आजम ने ट्वीट किया था, दिस टू शेल पास, स्टे स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा विराट कोहली ने जो अपना ट्वीट किया उसमें लिखा, थैंक यू, कीप शाइनिंग एंड राइजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। जाहिर सी बात है जो बाबर आजम को विराट कोहली ने रिप्लाई किया वो एकदम सटीक है कि आप भी चमकते रहिए, हम भी चमकते रहेंगे और जिस तरीके का यह बुरा दौर है वो गुजर जाएगा, इसमें कोई अलग भावना नहीं थी, इसमें खेल भावना साफ तौर पे दिख रही थी। इसके अलावा विराट कोहली को लेकर जो खिलाड़ी ये बोल रहे थे कि उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, उनको लेकर भी कुछ तंज जो है विराट कोहली ने कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर की जिसमें वो पंख के साथ बैठे हैं। इस फोटो को खूब पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, इस फोटो के जरिए विराट कोहली ने उन सभी आलोचकों को जवाब दिया है जो बार बार ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए। क्या कुछ कहा है इंस्टाग्राम कैप्शन में उन्होंने ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने पंख के साथ जो फोटो खिंचवाई उसके कैप्शन में ये लिखा गया है, क्या होगा अगर मैं गिर गया, ओ लेकिन डार्लिंग क्या हुआ अगर तुम उड़ गए। तो आपने ये फोटो देख ली जिसमें पंख के साथ विराट कोहली बैठे हुए हैं, साफ तौर पे ये एक करारा जवाब है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उठूंगा, मैं उड़ूंगा और फिर से रन बनाऊंगा, खराब दौर तो सबका आता ही है। इसके अलावा जो विराट कोहली ने रीट्वीट करके बाबर आजम को भी जवाब दिया है वो भी काफी शानदार है। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जो है वो